हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज मैं मार्केट से लेकर आई थी बथुआ। बथुआ तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही लाभदायक होता है। बथुए से पराठे बनाए जाते हैं, कचौड़ी बनाई जाती है, रायता बनाया जाता है। आज मैं अलग ही स्टाइल में अपने ससुराल की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये बथुआ बॉयल करने के बाद इसका जो पानी होता है उसे हम फेंकते नहीं हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, बथुआ धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए रख दिया था और 2-3 सीटी में ये बॉईल हो जाता है। बॉईल होने के बाद में इसे आप निकाल लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने बथुए को बॉईल किया है, बॉईल करने में मैंने इतना पानी नहीं रखा है, आपको दिख रहा है। तो फिर मैंने एक ये परात ली है, परात लेने के बाद में मैंने जाली वाली छलनी ली है और इसमें हम इस बथुए को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और जो इसका पानी होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इस पानी का प्रयोग मैं अपने हेयर के लिए करती हूँ। अगर आप धोने से पहले इसकी मालिश कर लेते हो ऑयल में मिलाकर, तो आपके बाल काले घने लंबे हो जाते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। और ये बथुए की खासियत और होती है, ये सर्दियों में ही मिलता है और इसे आप लगाते हो ना तो आपके डैंड्रफ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही यूजफुल है। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, यदि आपके डैंड्रफ है तो ये डैंड्रफ के लिए रामबाण इलाज है। तो ये मैंने ना पानी को अलग निकाल लिया है और आप इस पानी को काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुरंत आप इसे इस्तेमाल करिए। तो जब आपके डैंड्रफ होती है ना, तो धोने से पहले आप ऑयल में मिक्स करके इसे अपनी सिर की मालिश कर सकते हैं, तो बहुत ही लाभदायक है। अब धीरे धीरे इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसका मैंने पानी निकालने के बाद, अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद नमक मिर्च ऐड कर दिया है। और इसके आप रोटी भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो। तो मैं रोटी बना रही थी क्योंकि मेरे फादर इन लोग को ये रोटी बहुत पसंद है। जब हम इस तरह से रोटी बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रहती है और खाने में भी आसानी रहती है। जिनके दांत नहीं होते हैं तो उन्हें खाना खाने में बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, तो इस तरह की जैसे रोटी बनाते हैं तो जिनके दांत नहीं होते हैं वो भी बहुत आसानी से इस रोटी को खा लेते हैं और हेल्दी भी रहती है। तो इस तरह से आप रोटी बनाइए। देखिए, पर्त करके जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उस तरह से ये बनाई जाती है। Thank you.
तरह ही बथुए की रोटी बनाई जाती हैं और देसी घी भरने के बाद इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है। आज की जो रेसिपी है आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।